ये तो काफी प्रिटी कॉलेज है। चलो छत पे चले कैफेटेरिया, जैसे कुछ पार्लियामेंट वार्लियामेंट गेंजी की कैंटीन में खाना तो अच्छा है, बहुत एस्थेटिक वाइब है इधर। कैसे हो मेरे यूट्यूब के चैनल में? और अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे एडमिशन। हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं मेरे कॉलेज, हम यानी मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड। मेरे कॉलेज का नाम है जीजस एंड मैरी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। इट इज इन साउथ कैंपस। तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो यू हैव टू टेक द पिंक लाइन, जिससे कि आप साउथ कैंपस उतरोगे। ये स्टेशन सबसे क्लोजेस्ट पड़ता है जीजस एंड मैरी के, बिकॉज इट इज लोकेटेड इन चाणक्यपुरी। सो अब यहाँ से कॉलेज ज्यादा दूर तो नहीं है, यू कैन वॉक ऑल्सो अगर आपको वॉकिंग पसंद है, और नहीं तो यू कैन टेक ऑटो राइड। हाँ ये मैंगो वाली अंकल, एक एक ऑरेंज और एक मैंगो डॉली, ये भी इसकी, ये 10 की है। अगर आप ऑटो से जाते हो तो 10 या 15 रुपए मैक्सिमम लगेंगे। हमने ऑटो ही प्रेफर किया क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़े लेट थे। उससे पहले सोचा थोड़ी आइसक्रीम खा ली जाए क्योंकि गर्मी आ चुकी है दिल्ली में। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हमारे, और अगर आपका भी ये ड्रीम कॉलेज है तो आपके फ्यूचर कॉलेज में। ये मेन एंट्री गेट है, तो कॉलेज की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉलेज के पास आपको सीपी और इंडिया गेट देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं घूमने जा सकते हो तो अब बारी थी कॉलेज के अंदर जाने की। विदाउट आईडी कार्ड एंट्री नहीं होती है, इधर के रूल्स स्ट्रिक्ट है थोड़े। वैसे तो ड्यू के हर कॉलेज का यही सीन है, बट मुझे समझ नहीं आता हम इतनी दूर ट्रैवल करके सुबह सुबह किसी और के कॉलेज में क्यों ही आएंगे। सो वी आर फाइनली इन द कॉलेज। तो हुआ ही है कि हमने असाइनमेंट सबमिट किए थे कुछ टाइम पहले, और उसकी सबमिशन नहीं हुई है। हमारी तरफ से हो गई है, उधर से नहीं हुई है, तो हमें चेक करना है कि क्यों नहीं हुई। Exactly. तो आज का प्रोसेस वही है, क्योंकि अभी हमें इस वाले टर्म की भी असाइनमेंट्स सबमिट करने हैं बना के। तो हमने सोचा पहले पुराने देख लेते हैं फिर नए सबमिट कर लेंगे। Few moments later. Guys, हमने चेक किया और वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब हमने प्रॉपर लेटर वेटर लिख के दे दिया, वो बोल रहे हैं कि हम चेक कर लेंगे कुछ दिनों बाद आना। सो अब हम कुछ दिनों बाद जाके देखते हैं क्या क्या हमें मतलब मिलता है, नहीं अभी एक्सप्लोर करते कॉलेज। चलो तो गाइस, दिस इज द कॉलेज। सबसे पहले आते ही फ्रंट में आपको यही दिखेगा, लुक एट द ग्रिल्स, ये जो पूरे ऐसे फ्लोर्स हैं कितना प्रिटी है। स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है, आपको आगे आके देखने को मिलेगा। इतनी तगड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ मैं। तो गाइस खाली क्लास देख के हमने सोचा रील बना लेते हैं, बस कोई टीचर ना आ जाए जल्दी से, हम रेडी हो रहे हैं रील के लिए। ये दिख भी नहीं रही मेरी सहेली। हम तो पागल हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। एक रील है जो कि आपको देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पे। वो यार इट्स अच्छा लग रहा है वैसे, तुम वहाँ चलते हैं मैरी जी की मूर्ति के पास, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। चलो भाई आवाज गूंज रही है, ठीक है ठीक है, कैमरा भी बंद कर दो, बंद कर दो सबकी लाइट, बंद कर दो सबकी। छत पे चले बंद मिला, बहुत दुख हुआ, किसी नॉर्मल घर की छत जैसा ही है। तो जिस दिन मैंने भी छत तक तो पहुँच गया, जा नहीं सकते वैसे, है तो बाजू बाजू है इसके, बस की तो कुछ है नहीं, गेट कुछ मजबूत थोड़ी है। फैक्ट्री हमारे, हम इतने खाली है कि हम कौओ से भी बात कर लेते हैं, और कोई तो है नहीं हमारे पास बात करने के लिए। टूटा हुआ गाइज, ये फ्लावर्स बड़े प्रिटी हैं, प्रिटी फ्लावर्स। पी के फिर चलते हैं अंदर, ऐसे ना लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे ना प्लांट्स के नाम, मतलब ग्रीनरी व्रीनरी तो बहुत सही है इधर। सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, धूप अलग ही चमकार आती है मुंह पे। हाँ यार धूप की बातचीत में लगो, इतनी हूँ नहीं मैं जितनी दिख रही हूँ इसमें। दिस इज द कैंटीन। उधर बैठते हैं, एक मिनट से, क्या है कि हम कोल्ड कॉफी पी रहे हैं।
भी दिखा दो। अरे हमारी पर्ची कटी है। मैं घर से निकलने से पहले मुझे मैसेज कर रही थी ना, वो इतना वाटर प्रूफ बॉटल ले रही हो। वाटर प्रूफ बॉटल मैं समझ गई, शायद लीक प्रूफ बोलना चाह रही होगी। लीक प्रूफ बोलना चाह रही होगी, कह रही इतना वाटर प्रूफ बॉटल ले रही गाइस। हमने चाउमीन भी ले ली क्योंकि बैठ के बातें कर रहे थे, भूख लग रही थी तो सोचा और ऑर्डर कर लेते हैं। लेकर आ रही है हमारी लड़की। मैंने अपने मोस्टली व्लॉग्स में नोटिस किया कि मैं बिना मेकअप के और ऐसी ही होती हूँ। दिस इज रॉ व्लॉग्स, इट्स नेचुरल हेयर। एग्जैक्टली, अमेजिंग। जेमसी की कैंटीन का खाना तो अच्छा है, खाना अच्छा है। दिस वॉज द कैफेटेरिया कैफेटेरिया एंड दिस इज द हॉल जिधर सारे फंक्शन वंक्शंस होते हैं क्या? हाँ ना, पूरा ग्रीन ग्रीन। अच्छा अच्छा, कितना प्रिटी है ना। अभी ये प्रिटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिटी है। दिस इज योर साइन टू स्टे हाइड्रेटेड। वाओ क्या बहुत प्रिटी है गाइस। दिस इज टू मैचिंग माय ड्रेस आल्सो। या सी हाउ प्रिटी, सो प्रिटी। कली इतनी बढ़िया देख। सूंघ सकते हैं? तुम्हारी इच्छा। स्मेल लेस है तो। स्मेल लेस मुझे करती। वाटरप्रूफ क्या होता है कुछ? वाटरप्रूफ बॉटल, वाटरप्रूफ बॉटल है ये। स्मेल लेस फूल है वो। भूख तो बड़ा है। हाँ मैं तुझे वही तो कह रही थी कि इतने बड़े बड़े भी है तो छोटे छोटे देख के खुश हो रही है। गाइस ये तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन ही गार्डन है पूरा, जहाँ देख लो वहाँ फूल ही फूल है भाई। अगर हम रोज कॉलेज आ जाए ना और रोज ये फूल पत्ती देख ले, नजर तेज हो जाएंगे आंखों की। ओ मतलब क्या हो रहा है भैया, आंखें तेज हो जाएंगी नजरों की। वाओ पोएट्री, मतलब रोशनी तेज हो जाएगी आपको। नहीं नहीं तुम्हारा ब्लॉग है, जो मर्जी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये मेरे ब्लॉग की खासियत है, बहुत रो आते हैं, कुछ जादू रो। सीधे चलो। ओ कोई को मजबूर कोई नहीं इसकी सुनने के लिए। अच्छा वो भी होता है ना चीनी का पौधा, पत्तियों पे हाथ लगाओ वो बंद हो जाती है। हैं? मैंने नहीं देखा। तो कहते हैं सुई मुई कहते हैं। गाइस मैं जोरते ये ये भी कोई पौधा है, पता नहीं कौन सा, आप बताना कमेंट में। ओ सॉरी फूल। ओ भाई ये तो गजरा है पूरा भाई, बहुत गजरती है। सो प्रिटी ये लो, गुड जॉब फूल सुंदर। कोई मुझे देख रहा होगा तो सोचेगा ये लड़की तो पागल है, आना चाहिए मुझे कॉलेज और ज़्यादा, ये तो काफ़ी प्रिटी कॉलेज है। डिसलाइक मी गाइस। तो हम यहाँ पे बैठ गए अभी बहुत सारे फूल देखने के बाद, दो फूल। धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा, तू आ नहीं रही होगी आई गेस, थोड़ा इधर आ जा। ये लड़की मुझे कुछ दे रही है, पता नहीं क्या दे रही है। दे थैंक्स। गुजिया भी लाई है, ये है ना मेन काम। गाइस जिसने मुझे गिफ्ट दिया है, अपनी सनस्क्रीन लाई। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये देखो हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आपको भी लगानी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी। गंदे हाथ है, लगा सकते हैं फिर भी भाई। अभी अब ऐसे ही लगाने पड़े हैं, याद धो के है ना। अब लगा ली तो भी ऐसे ही लगा ली। मैं गंदे हाथों से लगा रही हूँ तो तुम्हें लगाए। मेरे को बहुत ब्लेंड करनी पड़ती है। ये कौन सी है, मिनिमलिस्ट की? अच्छी है, बढ़िया बेस्ट है, यही लूँ अगली बारी। नहीं गाइस मुझे यही बता, यही बताती है मुझे सब कुछ क्या लेना है। अगली बार और बढ़िया बताऊंगी। वो कौन सी? एक्वालॉजी का। एक्वालॉजी का बहुत सही है गाइस। अभी मेरे पास ना ये है अर्थ रिदम, लगा ली हमने सनस्क्रीन। दिस इज बेयर फेस, नो मेकअप गाइस। ऐसा लग रहा है पार्क में घूमने आए हैं, पत्ते देख के विशाल लग ही नहीं रहा कि कॉलेज है। ग्राउंड जहाँ पे हम खेलते हैं।
हंस रही है। गाइस हमने यहाँ पे पहली बार कदम रखा है लाइफ में क्योंकि हम कॉलेज नहीं आते। फुल ऐसा नहीं लगता है जैसे कुछ पार्लियामेंट वार्लियामेंट हो, है ना, फुल ऐसी ऑफिशियल वाइब। ट्रीज व्रीज यार बहुत एस्थेटिक वाइब्स है इधर की ना। हाँ, ये देखो ना जैसे किसी मस्त प्रधानमंत्री वगैरह का घर हो, इतना बढ़िया लग रहा है। फूल वूल जबरदस्त है हर जगह। दिस इज मी प्रीटी मी। ओ भाई डाली, ये देखो गाइस, दिस इज सो प्रीटी जस्ट लाइक यू ऑल। जो भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहा है लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ये फ्लावर उसके लिए है। ऐसे वाले पेड़ बड़े एस्थेटिक वाइब्स देते हैं मुझे। हाँ नारियल के पेड़ टाइप्स। हाँ ये भी एस्थेटिक है। पूरा कॉलेज इज फुल ऑफ एस्थेटिक्स, दैट इज व्हाई वी सिलेक्टेड दिस ऑनलाइन देख के। अब तो आ गए। अरे ये डीयू के कॉलेजेस में से वन ऑफ दी मोस्ट प्रिटी होगा ना। हाँ करेक्ट, आई हैव नॉट सीन एनी अदर, बट ठीक है। अच्छा हाँ, तू गई है तुझे पता होगा। मेंटेनेंस अच्छी है यार, एंड दैट टू फिर आर्किटेक्चर तो है ही, दोनों ही चीजें हैं। ये वाली वो रही जो वहां से अपने क्लास में से देख रहे थे ये। हाँ करेक्ट। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे एडमिशन ले लो इस साल या जब भी एडमिशन होंगे तो ले लेना, कुछ नहीं तो एस्थेटिक वाइब्स और फोटो वीडियो अच्छी आ जाएंगी, है ना। तो अगर आपको अच्छी लगी और यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और बस बाय।